हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंगल फ्रॉम क्लास 12th अकाउंटेंसी सीरीज। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट। बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन इससे पहले के जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारे टॉपिक्स थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। आपको याद होगा इन द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप हमने पढ़ा था द मीनिंग और द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, व्हाट डज पार्टनरशिप मीन? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस। तो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या था? पार्टनरशिप इज जस्ट अ रिलेशन, और जब वो रिलेशनशिप एंड होता है तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन वो रिलेशनशिप एंड होकर नया रिलेशनशिप एंटर भी हो जाता है, और जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते थे। लेकिन जहाँ पे वो रिलेशनशिप एंड होके और बिजनेस भी क्लोज हो जाता है, फर्म पूरी तरह से क्लोज हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखें यहाँ क्या लिखा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वेन एवर देर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म continues its business, firm का business close नहीं होता। While dissolution of partnership firm means business of the firm discontinued or closed, that is dissolution of partnership firm means the firm is closed or the business is closed। तो difference समझ में आया। जब dissolution of partnership है तो relationship तो end हुआ है, बट नए रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए इसका मतलब जो फर्म है, जो बिजनेस है, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुआ है, इसका मतलब फर्म यानी कि बिजनेस ही क्लोज हो जाएगा और पूरी तरह से बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लेट अस मूव फर्दर। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्यों होता है और क्या क्या उसके मोड्स हैं? सो देयर कैन बी 5 सिचुएशंस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देयर कैन बी अ म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स हैं वो आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लें दैट देयर वॉन्ट टू डिजोल्व द फर्म। देयर कैन बी अ कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है? व्हेन ऑल द पार्टनर्स और एक्सेप्ट वन द अदर पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। अब मान लीजिए आपके पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म क्या कंटिन्यू कर पाएंगे? और देयर कैन बी सिचुएशन व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, इलीगल बिजनेस रन करने लग जाए, तो वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन की सिचुएशन हो जाती है। बाय नोटिस यानी कि एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स बाय गिविंग देयर नोटिस दैट दे वांट टू डिसॉल्व द फर्म। क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होगा हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े थे, और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इस तरह के टर्म्स थे। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है कि जब तक पार्टनर्स चाहेंगे तब तक पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी, और जब पार्टनर्स बंद करना चाहेंगे फर्म को तो वो क्लोज़ हो जाएगी। तो पार्टनर्स अगर फर्म को क्लोज़ करना चाहते हैं तो वो एक नोटिस दे सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व का मतलब होता है क्लोज़ कर देना, वाइंड अप कर देना। फिर फोर्थ सिचुएशन हो सकती है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब किस तरह के इवेंट हो सकते हैं? मान लीजिए आपकी जो फर्म थी वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, एक पर्टिकुलर 3 ईयर्स के लिए आपने पार्टनरशिप फॉर्म की थी, सो ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म। हो सकता है आपने जो पार्टनरशिप फॉर्म की थी एक पर्टिकुलर पर्पज़ से फॉर्म की थी, कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे ही वो वेंचर कंप्लीट होता है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। आपने हो सकता है पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिख रखा है कि कोई भी पार्टनर, जितने हम 10 पार्टनर हैं, 10 में से किसी भी एक भी पार्टनर की अगर डेथ होती है तो हमारी फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी, इस तरह की अगर आपने कंडीशन आपके पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। और या फिर आपने ऐसा कुछ लिख रखा है कि अगर हमारे में से कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि कोई भी, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कौन सा इवेंट? ऐसा इवेंट जो कि आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। लास्ट आता है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट।
कोर्ट कब डिसॉल्व करने के लिए बोल सकती है, या तो आपके जो पार्टनर्स हैं वो अनसाउंड माइंड के हो जाएं, इनकेपेबल ऑफ रनिंग द बिजनेस, कोई फिजिकल एलिमेंट हो जाए, मेंटल एलिमेंट हो जाए, या फिर द पार्टनर्स आर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, वो जो बिजनेस जो रन कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली किसी तरह का मिसकंडक्ट, किसी तरह का इलीगल एक्टिविटीज़ करते हुए नजर आएँ, या फिर देयर कैन बी सिचुएशन दैट इज़ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो आपकी पार्टनरशिप डीड में आपने एग्रीमेंट किया था वो कंटिन्यूसली तोड़ा जा रहा है, देर इज़ अ कंटिन्यूस ब्रीच ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और एक सिचुएशन हो सकती है दैट इज़ कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जस्टिफाइड, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस फर्म को कंटिन्यू रखना ठीक नहीं, इसको तो क्लोज ही करना चाहिए। और देयर कैन बी सिचुएशन दैट अ बिजनेस इज इंकरिंग लॉसेज कंटिन्यूसली, पिछले कई सालों से बिजनेस में लॉस ही हो रहा है, तो फिर ऐसे बिजनेस को कंटिन्यू रखने से कोई फायदा नहीं, कोर्ट उसको डिसॉल्व करने के लिए कह सकती है। सो दीज कैन बी द सिचुएशंस फॉर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब देख लीजिए कि आपके पास में जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको कौन कौन से स्टेटमेंट्स बनाने हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, और अगर क्वेश्चन डिमांड करते तो जनरल एंट्रीज भी कर देते थे। लेकिन जब कभी आपको क्वेश्चन मिलता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, तो आपको जो स्टेटमेंट्स बनाने हैं वो कुछ अलग हैं। अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पिछले चैप्टर्स से बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड विल बी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक और कैश अकाउंट, बैंक या कैश में से कोई एक अकाउंट बनेगा। यहाँ मैंने पार्टनर्स लोन अकाउंट के आगे टिक इसलिए लगाया है बिकॉज पार्टनर्स लोन अकाउंट सिर्फ तभी बनेगा अगर बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन अकाउंट है। अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं है तो ऑब्वियस बात है पार्टनर्स लोन अकाउंट जैसा कोई अकाउंट आपको नहीं बनाना है, फिर सिर्फ तीन ही स्टेटमेंट बनेंगे, दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक और कैश अकाउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो टोटल 10 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला हम क्या करेंगे, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑल द एसेट्स, ऑब्वियसली गिवन इन द बैलेंस शीट, ट्रांसफ़र ऑल द एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफ़र ऑल द लाइबिलिटीज़ टू द रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आपको बैलेंस शीट में गिवन है उन्हें आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आफ्टर दैट ट्रांसफ़र ऑल द फ्री रिजर्व्स टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैंने जब रिजर्व्स लिखा है तो ऑब्वियसली अगर कोई एक्युमुलेटेड लॉस है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, अगर फ्री रिजर्व्स हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और अगर एक्युमुलेटेड लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बात यह है कि यहाँ पे मैंने वर्ड फ्री रिजर्व्स यूज़ किया है, अगर स्पेसिफिक रिजर्व हो, यहाँ पे वर्ड मैंने फ्री रिजर्व यूज़ किया है, अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिक रिजर्व गिवन है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। स्पेसिफिक रिजर्व जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पर, ये मैं आप लोगों को आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। तो फोर्थ आपको स्टेप क्या लेना है, रियलाइज ऑल द एसेट्स एज पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपने जितने भी एसेट्स थे ट्रांसफर कर दिए थे बैलेंस शीट से सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में, और ऑल द एसेट्स का क्या मीनिंग है, ऑल एसेट्स मीन्स वेदर द एसेट्स आर टेंजेबल और इनटेंजेबल, यानी कि गुडविल भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऑल एसेट्स मीन्स ऑल एसेट्स, टेंजेबल इनटेंजेबल, फिक्स्ड और करंट, ऑल एसेट्स टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, रियलाइज ऑल द एसेट्स एज पर एडिशनल फॉर्मेशन। अगर एडिशनल फॉर्मेशन में दे रखा है कि इस एसेट्स को, एसेट को सेल करके आपको कितना पैसा मिला तो आप उतने रुपये में उसको सेल कर देंगे। लाइबिलिटीज़ के लिए पे ऑल द लाइबिलिटीज़ एज पर द एडिशनल फॉर्मेशन, एडिशनल फॉर्मेशन जो भी लिखा है कि आपने इस लाइबिलिटी को कितना पेमेंट किया उतने में आप उसको पेमेंट कर देंगे। सपोज़ आपने क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र किए थे रियलाइजेशन अकाउंट में 10,000 के, और एडिशनल फॉर्मेशन में लिखा है दैट यू हैव पेड रुपीज़ 8,000, तो आपको पेमेंट कितना करना है, 8,000 का ही करना है। सिक्स्थ स्टेप में आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई एडिशनल फॉर्मेशन नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एडिशनल फॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेट्स, द एसेट्स आर कंसिडर्ड वैल्यूलेस, यानी आपने मान लीजिए स्टॉक ट्रांसफ़र के रिलेशन अकाउंट में 10,000 का और उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उससे आपको कितना रियलाइज़ हुआ, तो आप क्या मानेंगे कि उस स्टॉक से आपको कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ, आप उससे कुछ भी कैश रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन लाइबिलिटीज़ के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइबिलिटीज़ आर पेड एट द देयर बुक वैल्यू,
अगर लाइबिलिटीज़ के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं तो उनका पेमेंट हम बुक वैल्यू पर करेंगे, जितना हमने ट्रांसफर किया था रिलेशन अकाउंट में पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे। एसेट्स को वैल्यू लेस कंसिडर करेंगे लेकिन लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पर पेमेंट करेंगे। इसके बाद में 8 पॉइंट क्या था, ट्रांसफर द रियल, अब ये अकाउंट्स को क्लोज करने की बात आ रही है। जो स्टेटमेंट्स आपने बनाए थे, 3 स्टेटमेंट बनाए, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फाइनली आपके पास जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसे आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आता है उसे आप कैश अकाउंट से क्लोज कर देंगे। और लास्टली आपका जो कैश अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट इक्वली मैच हो जाता है, अगर इट मीन्स आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, आपका कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल मैच होना चाहिए। तो ये टोटल स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो सब्सक्राइब करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।